जिस चीज के लिए आए थे भाई मनाली, वो तो आपने ऑलरेडी पहले देख लिया होगा, और रात में जाकर के पार्टी वार्टी कर सको। तो यहीं बैठे हुए थे मैं, जलेबी और रबड़ी। सुनो है ये, सुनो है ये। मौसम की बात की जाए तो अगर पीछे झलक शर्फी श्री सच्ची नहीं गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका इस नए व्लॉग में मैं राज और ये सिमरन तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से अपने और अपने पूरे परिवार का ध्यान रख पा रहे होंगे। देखो दोस्तों, वैसे मनाली में पहुंच चुके, एक दो घंटे का रेस्ट किए थे, खाना वाना हमने अपने होटल में खा लिया, बाकी बाहर से दिखा दूंगा, अंदर से तो आपने देख ही लिया होगा। तो चल रहे थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम मतलब टाइम हो रहा है 5, शाम के 5 बज रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम नहीं है। और चल रहे हैं थोड़ा सा मॉल रोड को एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे। और मौसम मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा कि मौसम इस समय, मौसम की बात की जाए तो अगर पीछे देख रहे हो आप, ये जो पीछे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, इसके पीछे पूरा बादल मतलब पूरा पहाड़ है जो वो पूरा बर्फ से घिरा हुआ है, और पीछे भी देखोगे तो वहाँ पे बर्फ से पूरा घिरा हुआ है, तो ये टोटल कवर हो चुका है। और ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रही है ना पहाड़ों के ऊपर, ये धुंध नहीं है, बर्फ गिर रही है वहाँ पे, तो थोड़ी देर में हो सके तो यहाँ पे भी बर्फ गिरने लग जाएंगी। तो अब चल रहे हैं हम भी, हमने क्या थोड़ा सा आउट में लिया था मनाली, अगर आप देखोगे तो उस तरफ के अंदर है, वहाँ पे अंदर में छुपा हुआ है, तो थोड़ा आउट में हमने लिया था इसके लिए कि भाई थोड़ा सा क्राउडेड ना हो, क्योंकि क्राउड में पूरा पैक हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा आउट रहेगा, लगे गाँव में रह कर सुकून कर रहे हैं। तो चल दिए हम, बारिश होने लग गई, आ गई। चलो जितनी जल्दी दौड़ सके अच्छी बात है। यार छाता नहीं रहा यार, आप बताओ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अभी देखो थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदी गिरने लग गई है, और ब्लेम उस पे क्या लगा रहे, अम्ब्रेला नहीं लेके, मैं लेके आऊंगी। मैं अभी यही बोलने वाला था, निकल भाई पहले आप निकलो, मैं अभी पहले यही बोलने वाला था कि अब मेरे ऊपर चिट्टा फट जाएगा देख लेना इसका, अगर ये स्नो फट गिर गई ना तो बोलेंगे हैं अम्ब्रेला लेकर के नहीं आए, ये किया वो किया आपने, आपका ना कोई काम ढंग से होता ही नहीं है कभी भी, तो वो भी मेरे ऊपर ही आ जाएगा। फिर कोई नहीं, एक भाई मुझे बिहार के मिले हैं, ये आए थे आज ही और ये जो वापस जा रहे हैं, थोड़ा उनको मतलब वो हो रहा है, आपको पता है माउंटेन में कभी भी आता है कोई आदमी तो क्लाइमेट के हिसाब से उसकी बॉडी सेट होने में थोड़ा टाइम लेती है, हम तो वैसे राक्षस आदमी है, कहीं भी कुछ जाते जा करके बैठ जाते हैं, चल जाता है अपना, तो चलते ना, मेरे को बड़ी मस्त चीज़ मिली है यहाँ पे, दिख रहा है मोटरसाइकिल को काट करके पूरा बनाया हुआ है और उसके नीचे मोटरसाइकिल लगा रखी है, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। चलो यार, वैसे भी मनाली में यहाँ पे ना बहुत कुछ देखने के लिए है। ओ मैंने बुद्धू बनाया, यहाँ पे आगे दिख रहा है, ये स्नो दिख रही है ना, ये धुंध दिख रही है, ये स्नो है, इसको कुछ पता नहीं, मेरे को सब पता है, मेरी बात माना करो आपसे। तो ये तो बात ऐसे कर रही है जैसे पहली बार रोहतांग ये लेके आई थी घुमाने के लिए मुझे, रोहतांग आपके खुदा ही है, खुदा तो क्या मैं ही आया हूँ, एक बार आके गया हूँ, पुरानी यादें हैं बड़ी मस्त है, उसी की स्टोरी मैं बताऊंगा व्लॉग में धीरे धीरे। ले जाना भाई 475 किलोमीटर, एक दिन ऐसा होगा ले जाऊंगा मैं, ये मैंने पहले भी सोचा था पर जाना है, देखिए कब जाना हो पाएगा। तो रोहतांग ऐसे 51 किलोमीटर है, एक दिन ले का सफ़र किया मैं, ये दिख रहा है ले वाला बोर्ड दिख रहा है, ये 474 किलोमीटर ऊंचाई पर, यहाँ पे भी एक दिन जाने का मन है, हो सकेगा तो गर्मियों में आऊँगा तब मैं ले जाऊँगा, क्योंकि इस समय वहाँ पर रास्ते बहुत सारे बंद हो जाते हैं और बर्फ बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती है, जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो तब जाएंगे ले। उधर कहाँ जा रही हो माते, रॉन्ग साइड, सही बात है, लड़कियाँ ना पागल ही होती हैं पूरे पूरे, घुटने में दिमाग होता है लड़कियों का, अब उधर बोला था चलने के लिए तो बोले मेरा मन में इधर से लूँगी, चलो भैया चलो। तो दोस्तों ये रहा अपना मॉल रोड, आजकल इस पर क्राउड कम है, एक उस पुरानी यादें जो मेरी ताज़ा करता है, आने पर एक टाइम था, अभी तो खैर बहुत अच्छा बन गया है, आज से 10-12 साल पहले, 10-12 साल के लमसम हुई, 10 साल के लमसम हुआ होगा तब आया हूँगा मैं, तब ऐसा नहीं था ये, और यहीं पे एक होटल था जहाँ पे मैं रह करके गया था,
तो उस समय चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत सही था, पर अब चीज़ें बदल गई है, बहुत एडवांस हो गई है। आई लव मनाली। वैसे मोमोज खाने जा रहे थे, अब इन्होंने प्लान चेंज किया, मोमोज नहीं खा रही हैं, ये सुड्डू खा रही है। सुड्डू सुड्डू सिड्डी पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया इसको, हाँ सिड्डू। ये आटा तो ये ना आटा और चावल का बना हुआ होता है, कुछ ऐसे कुछ रेसिपी डाल करके, अखरोट और मूंगफली वगैरह। तो ये ट्राई कर रही हैं, खाएंगे फिर बताते कैसा क्या है। वैसे मैंने प्रभजोत को काफ़ी देखा है इस समय खाते हुए। तो इनका प्लान हुआ कैंसिल, जो सुड्डू छोड़ करके उड्डू खा रही है बैठ करके तो वो आ गई मोमोज खाने पे ही, ये मोमोज ही खा रही है इस टाइम पे। पहले बस स्टैंड था ये, यहाँ से यहाँ आया था ना मैं पिछली बार, लोकल बस वगैरह यहाँ से चलती है। मैं एक बार जब पिछली बार जब आया था तो मुझे यही ड्रॉप किया था, लोकल बस से आया था, तो मुझे हम सबको यहाँ पर ड्रॉप करके जाना है। यही कहीं आसपास में जाऊँगा तो देखूँ होटल को ना, देख के जाऊँगा कहाँ है, उसका कार्ड भी ले जाऊँगा। अच्छा होटल था वो, और ऊपर का जो व्यू आ रहा है ना इसमें बहुत ही खतरनाक भाई साहब, भयंकर मस्त। ये रियलिटी में बर्फ गिर रही है ऊपर की तरफ में, पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मजे आ रहे हैं मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और जितना चीज उतना ज़्यादा इन्जॉय करने को मिल रहा है। मोटे से पूछते हैं और मोटे को कैसा लगा, मोटे कैसा लग रहा है करके, जैसा शिमला में लग रहा है मनाली, कुछ नथिंग स्पेशल। अगर बर्फ गिर जाए तो जो मेरे को, यानी कि ये भी बर्फ का वेट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी बर्फ का वेट करो। आए हैं गिरती हुई बर्फ, गिरती हुई बर्फ देख करके जाएंगे यहाँ से, नहीं तो यहीं पे झूला झमल लेके बैठ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बस इतना सा मोल हो रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, खत्म हो जाता है। हम खाएंगे जलेबी और रबड़ी। गुन्नू क्या खाओगे, क्या खाओगे, क्या खाओगे? अच्छा अभी क्या खाया था आपने? गुन्नू की डांट पड़ गई इसलिए नाराज है। तो ठंड के देखते हुए यार, वैसे तो कॉस्टली लगी बहुत ज्यादा, रबड़ी जलेबी खाने जा रहा है मोटा बैठ के। 100 रुपए, 50 रुपए का ये है। वैसे 50 रुपए में 10 रुपए लगेगा तो 60 रुपए किलो आ जाएगा। तो इन्होंने अच्छा बना, अच्छी क्वालिटी का होगा। कैसा खा रहा है मोटा, ध्यान से देखिए इसको। मैं खा लो जाने तो खा जाएगी लड़की है, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, पहले खा लेगा फिर मिलता हूँ आप सबसे। खाने पीने की चीज़ें बहुत हैं यहाँ पे, आप सोच नहीं सकते, पर हाँ यार भी है क्योंकि कॉस्टली है। जैसे अपने लोकल मार्केट के अंदर जो चीज़ें सस्ती मिलती है ना, वैसे नहीं है, कुछ अमाउंट ज़्यादा है। तो मार्केट घूमते हुए ये घूमते जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं कुछ पता नहीं है, पर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। देखे कहाँ पहुँचते हैं। हिल स्टेशन पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, शिमला भी गया था मैं, यहाँ पे भी आया, नैनीताल भी गया, तो इसमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर स्नोफॉल हो रहा है तब तो आपको बहुत मजे आएंगे, पर अगर स्नोफॉल नहीं हो रहा ना, आपको लगेगा कि पैसा वेस्ट हो गया। बाइक ऑन रेंट, यार हिमालयन कितनी मस्त लग रही है, हैवी कितनी है, मस्त। इसी से ट्रिप करूँगा एक दिन। मैं पहले आया था मनाली तो यहीं बैठे हुए थे मैं और मेरे सिस्टर भाई वगैरह हम सब, और उसके पैर में मोच आ गई थी भाई, जो सीन बना था ना, तो ये जगह याद है उस टाइम के अंदर, ऐसे बैठे हुए थे, बैठ करके अपना प्रॉपर वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। तो एड्रेस यहाँ पे चेक कर लो, नंबर वगैरह मैं आपको बाद में दे दूँगा। यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, तो अगर आप पर्सनल बुक करो वो भी मिलती है, शेयरिंग वाली मिलती है, तो आप चाहो तो यहाँ से बुक कर सकते हो। हमने सोनाल वैली के लिए बुक किया है, ठीक। तो चले गोलगप्पे खाने आप।
चलो आगे चलते हैं, चलते थोड़ा गोलगप्पे वगैरह खाते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से होटल के लिए। कुछ पुरानी यादें हैं जो लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ से। जब फर्स्ट टाइम मैं मनाली आया था तो यहीं रुका था, यहाँ ठेला लगता था, यहाँ पंडे वंडे का ठेला था, और यहाँ उस थर्ड फ्लोर के ऊपर वहाँ पे हम रुके थे इस होटल के अंदर जब फर्स्ट टाइम आए थे। तो बहुत अच्छा लगा था उसमें व्यू था बहुत, मतलब यहाँ से क्या बिल्कुल सामने देखते थे तो पहाड़ के ऊपर, मतलब बर्फ के ऐसे उड़ती हुई दिखती थी, तो बहुत अच्छी लगती है। ये यहाँ पे हमने खड़े छोड़ दिया था, हमने सोचा यहाँ पे खाना मिल जाएगा। उस समय आए थे ना तो ये कैफे की जगह यहाँ पे खाने के लिए पूरा सिस्टम था और हम खाना खा के इसी से निकलते थे, पर अभी कन्वर्ट हो गया पूरा कैफे के अंदर। तो अच्छा ओनली बेकरी होगी ना तो कन्वर्ट हो, पहले इसमें आए थे जब तो इसके अंदर एक है, आज भी जगह याद है, वहाँ पे बैठते थे, वहाँ से करते थे आराम से, दो कमरे हैं उसके अंदर है। ये रोतलू महाराज हर जगह रोता रहता है, वहाँ 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 करके। तो दोस्तों अभी आए हैं, पोछा लगा देती है, अभी आए खाना खाने के लिए और गुन्नू यहाँ से पोछा मार रही है। पूरा टेबल साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट गुन्नू को मिला है, पूरा टेबल साफ कर लेंगी फिर ये खाना खाने बैठेंगी। तो चलिए खाना आता है फिर आपसे मिलते हैं। ये मोटा खा पी के निकल गया, देखना ठंड लग रही है, है? इतना पैक होने के बाद कहाँ ठंड लगेगी इनको। वैसे टाइम की बात की जाए तो कितना टाइम, कितना 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 8 के आसपास, 7:30 के आसपास का हो रखा है, पर ऐसे देखने में लग रहा है ना जैसे कि रात के 8 बजे। हमारा खा चुके हैं और मेरा अगर खुद का रिव्यू अगर देखा जाए तो अगर किसी को घर के हिसाब से खाना खाना है तो उसको चाहिए कि भाई मैं बाहर भी निकला हूँ तो मुझे घर के हिसाब से खाना मिले, तो आप कोशिश करना कि जो यहाँ पे मॉल रोड है ना, मॉल रोड के अंदर जो भी जितनी भी गलियाँ मिलती है आप वहाँ जाके गलियों के अंदर थोड़ा सा अंदर जाओगे ना तो आपको बिल्कुल घर के हिसाब से बहुत अच्छा खाना मिलेगा। जैसे कि अभी आपने देख चुके हैं हम लोग खाना खा रहे थे एक रेस्टोरेंट में बैठ के प्रॉपर खाना, और जिसको कैफे टाइप का जैसे फ्लैटर्स डिजाइन इस टाइप का खाना हो, ओपन कैफे लाइव म्यूजिक में खाना हो, तो मॉल रोड ऑन मॉल रोड बहुत सारे कैफेज हैं, आप उसमें खाना खा सकते हो। फ्लैटर्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता भी नहीं है, तो वो बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ और यहाँ पे मतलब ना नाइट के लिए क्लब हाउस वगैरह भी है, क्लब हाउस मतलब वही जो रात में जाकर के पार्टी वार्टी कर सको, इंजॉयमेंट कर सको, तो उसकी बुकिंग्स होती है मॉल रोड के ऊपर ही है। आप आओगे तो यहाँ पे कोई ना कोई बंदा आपको मिल जाएगा जो उसकी बुकिंग ले रहा होगा तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। तो आगे मिलता हूँ मैं आपसे, थोड़ा ठंड लग रही है, खा के निकला ना अभी, पहले नहीं लग रही थी उस तरह खा लिया उसके बाद अब लगने लग गई है। तो अभी तक तो बिल्कुल सही से था मैं, पर अब खाने के बाद अब लगने लग गई है, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स चाय वगैरह कुछ करता हूँ या जैसा जो होता है थोड़ी देर में आके मिलता हूँ मैं। अगर आपको कैफ़े वगैरह के शौकीन हो तो आप ये दिख रहा है इसमें जा करके और कैफ़े को अच्छी तरह से इन्जॉय कर सकते हो। खाने के लिए बहुत कुछ है, रोड साइड फूड पे जाओगे ना आप तो बहुत कुछ रास्ते मिलेगा खाने के लिए यहाँ पे, मतलब आपका पेट फट जाएगा उससे ज़्यादा तो खाना है। और यहाँ शॉपिंग वगैरह करने का कोई शौकीन है तो मार्केट है यहाँ पे, पर हाँ यार अगर देखा जाए शिमला के अकॉर्डिंग तो यहाँ का मार्केट थोड़ा कॉस्टली है या तो ज़्यादा ही कॉस्टली है। नैनीताल का एक नंबर है मार्केट शॉपिंग के लिए, इतना मतलब सस्ता ऐसा मार्केट तो हमें हमारे बरेली में भी नहीं मिलता ना जयपुर में। उससे अगर ऊपर पहुंचोगे तो शिमला, शिमला से ऊपर अगर मैंने यहाँ पे देखा है तो मनाली, कॉस्ट के मामले में ठीक है, महंगा है। तो ये बात सही है का मार्केट सच में भाई बहुत महंगा है, मतलब एक एक चीज है ना 4-5 गुने रेट पे बिक रही है यहाँ पे। हाँ अगर शॉपिंग के लिए ना तो नैनीताल से करो, मतलब मस्त रेट में मस्त मस्त चीज है। इवन जैकेट पहना ये भी नैनीताल, ये चीज तो है, ये नैनीताल का है शिमला का है, हाँ ये शिमला का, ये शिमला का जैकेट है और ये नैनीताल का है। तो शॉपिंग वगैरह के लिए शिमला भी ठीक ठाक है और शॉपिंग के लिए देखा जाए तो नैनीताल भी बहुत ठीक ठाक है, पर अगर शॉपिंग के लिए देखा जाए कि मनाली, वैसा बिल्कुल गलती मत करना यहाँ पे, लूट लेंगे आपको बिल्कुल। करो बार्गेनिंग जरूर करो क्योंकि ना उल्लू बना देते हैं। अभी हमारे सामने एक कपल को गहरी वाजपेयी की इमेज मूर्ति, इन्होंने भी देश के लिए बहुत कुछ किया। तो ये हमारा होटल है जो हमने वो सामने मनाली दिख रहा है जो मतलब तारे जैसे टिमटिमा रहा है ना उससे थोड़ा सा दूर आकर के लिया है। होटल का नाम है होटल हॉलीवुड, मॉल रोड से 1.5 किलोमीटर, मतलब मॉल रोड से 1.5 किलोमीटर है, ऑटो वाले 50 या 100 रुपए लेते हैं हमसे, तो एक बारी में 50 लिए एक बारी में 100 लिए, ये डिपेंड करता है सीजन पे। अगर सीजन ज्यादा मतलब रश वाला है तो 100 रुपए,
बेकार है तो 50 रुपए, वो आप बात करके देख लेना। नहीं, दिन 50 रुपए लिए थे और रात में क्योंकि अभी आए हैं तो 100 रुपीज लिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा होटल है, वैसे मैं दिन में भी दिखा दूंगा और कमरे का व्यू आपने ऑलरेडी पहले देख लिया होगा, पहले जो वीडियो आई होगी चाहे इसी में होगा, बहुत प्यारा अंदर से। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको होटल का पूरा व्यू दिखाया बाहर से कि कैसा है, इसमें ना एक पर्सनल ओपिनियन बोला जाए कि भाई क्या ओपिनियन होगा, कहाँ लेना चाहिए आपको। तो जो लोग ऐसा पसंद करते हैं कि भाई मुझे मॉल रोड के बिल्कुल करीब रहना है, तुरंत निकलते खाने पीने को चढ़ने को धनाधन मिले सब कुछ, तो वो भाई मॉल रोड के अंदर ले ले। जो मतलब ऐसा चाहता है कि सब कुछ फैसिलिटी आस पास में मिले तो उनके लिए मॉल रोड जरूरी है। ठीक है, एक सेकंड, फोटो आ गया था ना पीछे तो मजा नहीं आता ना बात करने में, तो उनके लिए मॉल रोड बहुत अच्छा है कि वो आराम से वहाँ पे मॉल रोड के पास में रह सकते हैं, उनको सारी चीजें मिल जाएंगी। पर कोई नेचर का बहुत प्यार, मतलब वो सोच रहा नेचर लवर है कोई और वो चाहता है कि भाई मुझे है ना नेचर देखना है, सुबह विंडो खोल, बिल्कुल पीसफुल शांति चाहिए, विंडो खोले ना तो सामने माउंटेन ही माउंटेन, उसके ऊपर बिखरे हुए सफेद चादर जैसे बर्फ चाहिए, सामने कलकल बहती हुई नदी चाहिए ना। तो दोस्तों जो होटल मैंने बताया ना, वैसे थोड़ा सा ओल्ड मनाली में आप आकर लो, थोड़ा सा एक, मतलब एक सवा किलोमीटर है मनाली से, आप वॉकिंग्स में भी आ सकते हो, अगर फैमिली के साथ में हो, अकेले हो तो लेट नाइट में आ रहे हो तो आप ऑटो करके आ जाओ, नहीं तो वॉक करते हुए आराम से आ सकते हो, बहुत पास में, दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर हम आराम से वॉक कर सकते हैं। तो जगह बहुत प्यारी है, नंबर मैं इनका ड्रॉप को नीचे डाल दूंगा, और नहीं तो आप इसी होटल को ऑनलाइन भी जाके बुक कर सकते हो। बस इतना याद रखना है कि बुकिंग करने से पहले इनका नंबर मिलेगा, आप उस नंबर पे जाकर के चेक करो, प्राइस पता करने के बाद में ऑनलाइन बुक करना, क्योंकि देखो हर जगह ना होटल में ऑनलाइन प्राइस कुछ अलग नहीं मिलेगा और ऑफलाइन आओ तो अलग मिलेगा, तो इसका बहुत ध्यान रखना आप। बाकी नंबर रहेगा, आप चाहो तो इनसे भी बात करके क्लियर कर सकते हो क्या है कैसा है, खाने पीने की सारी सुविधा होटल के अंदर ही है और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट वगैरह भी आपको मिल जाता है, उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं ये, तो चीज़ सही है। आपको गीजर मिल जाएगा, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट मिल जाएगा जो अंदर ही रहता है कमरे के अंदर, तो पानी, गरम पानी वगैरह पीने के लिए सब कुछ मिलता है, खाना पीना चाय वगैरह सब है। पर अगर आपको दोनों मजे चाहिए, मतलब मॉल रोड का भी मजा चाहिए और आपको थोड़ा सा आउट में भी रहना है, तो बेस्ट ऑप्शन है भाई आप यहाँ पे यहाँ आ करके स्टे कर सकते हो। नाम आप देख ही लो, आपको मैंने पूरा वीडियो होटल दिखा दिया है, और जिस चीज के लिए यहाँ पे आए हैं ना, उसका नजारा आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा कल सुबह। और सच बताता हूँ, कल आपने जो भी, मतलब कल सुबह जो भी सेकंड व्लॉग आने वाला है, आप ना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों बहुत पछताओगे, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने थोड़ा मोटा तो भी देखा है तो दोपहर का सीन था, मॉर्निंग में जब सूरज निकलेगा और सूरज की रोशनी पर पहाड़ों पे गिरेगी और जब ये स्नो चमकेगी ना तो एक अलग ही व्यू आएगा। इसी के लिए तो दोस्तों देखो जयपुर से मनाली पहुंच गए, तो आपको वहां बैठे बैठे अगर मनाली की इतनी अच्छी चीजें को दिखा रहे हैं ना, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल प्रेस करो, कमेंट जरूर करना कि क्या अच्छा आपको देखने को मिला है मेरे ब्लॉग के अंदर, और अगर कुछ सुधार करना है तो यार दोस्तों आप फैमिली परिवार हो ना अपना, प्लीज सजेस्ट जरूर करना, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए मेरे ओपन छोड़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, और जो भी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं प्लीज आप भी आओ घूमो, क्योंकि हम इसीलिए बजटेड, मतलब हमेशा कम कॉस्ट का ही खुद भी यूज करते हैं, कि हम सोचा हम बहुत कॉस्ट का यूज कर रहे हैं और आपको बहुत कम का कॉस्ट का बताएं, हम जो यूज कर रहे हैं हम वही बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को ऑल पे सेट करो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। तेरी झलक शर्फी। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:21, तो दोस्तों जो सपना लेकर के आई थी वो इनका सपना पूरा हो गया, मेरे को ये टेंशन थी कि भाई नहीं देख पाएंगे। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो, कैसे नहीं हो, भोपा मुंह पे बजा दो। जिस चीज के लिए आए थे भाई मनाली, वो इच्छा हो गई पूरी, और आप देख रहे थे सामने ये पूरी स्नो गिर रही है, और सुबह का टाइम हो रहा है 3:21 का, नीचे भी देखोगे तो अब ये व्हाइट जो हो रखा है पूरा स्नो से हुआ है, सबसे मस्त तो ये लग रहा है देखने में, या थोड़ी रोशनी है तो इधर थोड़ा अच्छा आ रहा है देखने में।